हेलो गाइस, माय सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपको लेट मी एक्सप्लेन नाउ के अंदर। मेरे सभी प्यारे पहलवानों, सारे डॉक्टर्स, सारे कॉलेजियंस, सारे फ्यूचर के साइंटिस्ट एंड सारे फ्यूचर के बड़े एक्सपर्टीज, आज मैंने एक पंक्ति आपके बीच में रखी है कि अब तो कुछ करके दिखाना है इस लाइन का। बहुत बहुत अगर दिल से समझे तो इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे सारे 10th वाले बच्चे हो, 11th 12th के बच्चे हो, चाहे वो कॉलेजियंस हो जो किसी न किसी सिविल की प्रिपरेशंस कर रहे हो, या अपनी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, या नेट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपके दिल और दिमाग में एक चीज़ बिठा लेना। आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, आपको जाना कहाँ है, किसके लिए जाना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे। मैंने भी अपना मकसद बना लिया है, अब मुझे क्या करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है। तो बस मैं यही चाहूंगा कि मेरे सारे बच्चे अपना भी एक विजन और मिशन बना लें। मेरा बस एक ही विजन है, एक ही मिशन है कि अब मुझे जीना है तो मेरे सारे पहलवानों के लिए जीना है, मुझे अब काम करना है तो मेरे सारे पहलवानों के लिए करना है, और मुझे काम करना है तो मुझे सारे प्रोफेसर के लिए करना है, मेरे भावी भविष्य के डॉक्टर्स के लिए करना है, भविष्य के भारत के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, और जो कॉलेज जितने भी कॉलेजियंस हैं इंडिया के और वर्ल्ड के, बस मुझे अब उनके लिए जीना है। मैं उनके लिए जितना हो सकेगा मैक्सिमम एंड मैक्सिमम सारे माइक्रोबायोलॉजी की और धीरे धीरे सारे बायोटेक्नोलॉजी की में टोटल जो कॉन्सेप्ट हैं और लेक्चर्स हैं मैं देने वाला हूँ। तो आपका जो मुझे प्यार भर भर के मिल रहा है, अब मेरा एक ही विजन हो गया कि मुझे इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बेस्टेस्ट, अब क्या बोलूँ आपको, बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है मुझे ऐसा आपके लिए बनना है कि मैं आपके लिए कुछ दे सकूँ, अच्छा दे सकूँ। तो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग माइक्रो की लैब के अंदर एसेप्टिक जो टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी बेसिक हैंडलिंग टेक्निक होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो अगर गाइज आप चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि अब एक पागल खोपड़ी आ चुकी है जिसको अब जिद कर लिए, जुनून कर लिए हैं कि अब मेरा देश का हर एक बच्चा पढ़ेगा और हर एक बच्चा बढ़ेगा और वो देश का, वर्ल्ड का बेस्ट एंड बेस्ट साइंटिस्ट बनेगा, बेस्ट एंड बेस्ट डॉक्टर्स बनेगा। बस मैं उसमें 1%, 0.5% उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ, बस उसी ऊर्जा के साथ मैं आपके बीच में लगा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ में। हमारा जो अगला जो कॉन्सेप्ट आज का अवेलेबल है वो हमारे पास में है, बेसिक्स माइक्रोब हैंडलिंग टेक्निक्स। अब कम से कम ध्यान रखना, आज जो हम आपको अभी मैं फिलहाल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में जब आप जाते हो तो कौन कौन सी आपको बेसिक जो है हैंडलिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए। अगर ये टेक्निक अगर आपको आएगी तो आप ध्यान रखना बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट को परफॉर्म कर पाओगे, आप रिजल्ट ऑब्टेन कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको खाली इंट्रोड्यूस करूंगा एंड देन हर एक टेक्निक के बारे में इंडिविजुअली मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। जो मेरे पास में पहले टेक्निक ध्यान रखना जो आपको पता होनी चाहिए, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हाउ टू फ्लेम इनोक्यूलेटिंग नीडल्स एंड वायर लूप। ओके, और उसके बाद में कैसे आपको सस्पेंशन प्रिपेयर करना है, उसके बाद में कैसे आपको इनोक्यूलेट या हम बोलते हैं कि कल्चर को हमें ध्यान रखना है ट्रांसफर करना है। ओके, उसके बाद में इनोक्यूलेशंस ओवर स्लांट, यानी हमें स्लांट में कैसे इनोक्यूलेशन करना है, हमें ब्रॉथ की जो ट्यूब है उसमें कैसे इनोकुलेशन करना है, हमें स्टेप कल्चर की ट्यूब में कैसे इनोकुलेशन करना है, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे अब जो स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देन उसके बाद में हम लोग इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे ध्यान रखना है पैट्री डिश को हैंडल करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे को पैट्री डिश भी होल्ड करना नहीं आती। अच्छा, होल्ड करना नहीं आता है बुरी बात नहीं है, सीखना है आपको, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद में कैसे उसमें स्ट्रिकिंग करते हैं, ओके, कैसे ध्यान रखना उसमें अंदर जो हम लोग डालते हैं कल्चर उसको ऐसे स्प्रेडिंग करना होता है, ओके। उसके अलावा ये सब काम करने के बाद में कैसे उसको हमें इंक्यूबेट करना है, स्लांट को कैसे इंक्यूबेट करना है, ब्रॉड ट्यूब को कैसे इंक्यूबेट करना है वो हम सीखेंगे। उसके बाद में कैसे जो है स्मियर प्रिपेयर करते हैं वो सीखेंगे, कैसे स्लांट को कैसे ध्यान रखना, हम स्टेन कैसे हम लोग जो स्मियर हम बनाते हैं वो स्मियर को कैसे स्टेन करना है वो भी हम सीखेंगे, एंड लॉट्स ऑफ ध्यान रखना। लास्ट में हमारे पास में सीरियल डायलूशन कैसे करते हैं, तो ये बहुत सारी कान ध्यान रखना अवेलेबल है दोस्तों जो हम सीखने वाले हैं। ये जो मैंने आपको नाम बोले, जो मैंने सब हेडिंग्स के नाम बोले हैं, ये सारे हेडिंग्स हम इंडिविजुअली वीडियो बना के इसको मैं आपको समझाऊंगा हर एक प्रैक्टिकल को। ओके, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो ओनली क्या होगा, हमारा बेसिक्स होगा, इंट्रोडक्शन होगा। ओके चलिए,
हमारे पास में पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास में द नीड फॉर प्रॉपर टेक्निक। हमें प्रॉपर टेक्निक की जरूर ध्यान रखना क्यों होती ध्यान रखना, हमें बेसिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती ध्यान रखना। हमें सबसे पहला मैंने पॉइंट बोला कि अगर आप लैब में जाते हो तो आपका पर्पस होता है कि आप जो है डिजायर रिजल्ट को आप लोग ले सको, और ऐसा कभी नहीं होगा प्रॉपर केयरिंग के प्रॉपर परफॉर्मेंस के आपका रिजल्ट कभी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको क्या बोला मैंने सिंपल चीज की, नो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वुड प्रोड्यूस अ डिजायर रिजल्ट अनलेस एंड अंटिल इट प्रॉपरली कैरी आउट। जब तक आप लोग उसको प्रॉपर नहीं करोगे आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर रिजल्ट अगर निकालना होगा तो उसके लिए जो बेसिक चीजें होती है वो सबको आपको प्रॉपर करना होगा। ओके, सर्टन टेक्निक्स विल रिक्वायर प्रैक्टिस बिफोर द एक्सपर्टाइजेशन इज अचीव। देखिए ऐसा नहीं ध्यान रखना, जब भी आप फ्यूचर में कभी इंडस्ट्री में जाओगे, एग्जाम्पल एक समझोगे आपको प्लेट में स्टिकिंग करनी, क्या करना है आपको प्लेट में स्टिकिंग करना है, तो प्लेट में स्टिकिंग करना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर जो बच्चों को इसमें एक्सपर्टाइज आ जाती है ध्यान रखना वो बहुत बड़े लेवल पे आगे जाके फ्यूचर में वर्क कर पाते हैं। तो आपको किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज करने के लिए उसके लिए बार 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 अगेन एंड अगेन अगेन एंड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सेम माइक्रोबायोलॉजी की लैब में भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है चीजों को सीखने के लिए। ओके, उसके बाद में स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दैट इंस्ट्रक्शन टू ईच टेक्निक बी केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड। जब आप लैब में जाते ध्यान रखना तो आपको जो भी प्रैक्टिकल करने वाले हो उस प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना अवेलेबल है आप उनको केयरफुली समझें पढ़ें और उसको ध्यान रखना आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। चलिए बढ़ते साहब नेक्स्ट पॉइंट में, हमारा अगला जो है हमारा कौन सा ध्यान रखना है कि अब हम जब हम लैब में ध्यान रखना जाएंगे तो बहुत सारे रिस्क हमें ध्यान रखना लैब में होती है, तो हमें लैब में अच्छे से वर्क क्यों करना है। तो मेरे पास बहुत सारे रीजन है कि लैब में हमें बहुत ही केयरफुली वर्क क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला मेरे पास में है वहां पे क्या ध्यान रखना होता है, रिस्क ऑफ क्या होता है यहाँ पे कंटामिनेशन। ओके, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड फ्लक्चुएशन इन रिजल्ट एंड स्पीड एंड इकोनॉमी, ये मेरे पास चार मेन ध्यान रखना रीजन है जो आपका कारण बनते हैं कि हमें लैब में है क्यों प्रॉपर तरीके से काम करना है और कैसे हमें प्रैक्टिकल को प्रॉपरली परफॉर्म करना है या क्यों परफॉर्म करना है। चलिए तो हम इसमें से हर एक को डिटेल में देखते ध्यान रखना क्या होता है रिस्क ऑफ कंटामिनेशन ध्यान रखना। तो सबसे पहला मेरे पास जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है वो मेरे पास में रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। अब इसका क्या मीनिंग है, यानी कि हमारे रिजल्ट के अंदर जो कंटामिनेशन आता है यानी कि हम जो पर्पस के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें दूसरे माइक्रोब्स हमें इंटरफेयर कर लेते हैं, उसमें अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं कंटामिनेशन। ओके, तो मैंने वर्ड क्या बोला यहाँ पे, द एटमोसफियर कंटेन डेंस माइक्रोबियल पॉपुलेशन। क्या वर्ड बोला मैंने, द एटमोसफियर कंटेन डेंस माइक्रोबियल पॉपुलेशन, यानी कि आप जब लैब में वर्क करते हो तो वो जो एरिया ध्यान रखना आपके सराउंडिंग में होता ध्यान रखना वो क्या होता है, बहुत ही डेंस माइक्रोबियल पॉपुलेशन आपके अराउंड होती है। मतलब वहाँ आपके चारों तरफ, क्योंकि आप लैब में हैं तो लैब में ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रोब के मतलब प्लेट रखी हुई होती है, तो आप उस माइक्रोबियल डेंस माइक्रोबियल पॉपुलेशन के बीच में हैं, तो आपको अगर वहाँ पे जरा से अपने लापरवाही की तो ध्यान रखना आप उसे अफेक्टेड या इन्फेक्टेड हो सकते हो। ओके, व्हेन हैंडलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे इज ए कॉन्स्टेंट डेंजर ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम एयर। जब आप प्रॉपर जब आप डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप हैंडल कर रहे हो ध्यान रखना तो उस समय बहुत ही केयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना रिस्क होती है आपको कोई भी एयर एयर का कंटामिनेशन आपके अंदर आ जाए, क्योंकि एयर में बहुत सारे माइक्रोब्स अवेलेबल हैं। जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करो ध्यान रखना तो उसमें वो कंटामिनेशन आने के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस आपको रहते हैं। सच कंटामिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू बी अकर वेन द हैंडलर्स टेक्निक आर फॉल्टी। और अगर रिजल्ट में कंटामिनेशन आया इसका मतलब जो व्यक्ति ने या जो बंदे ने हैंडल किया था उसकी हैंडलिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं थी, उसने कहीं ना कहीं फॉल्ट किया था और उसी फॉल्ट की वजह से उसे रिजल्ट में कंटामिनेशन आया है। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स टू एक्सपोज कल्चर एज लिटिल एज पॉसिबल एनी रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। आप लोग ट्राई करें कि आपका जो कल्चर है स्पेस है वो एसेप्टिक रहें ताकि आपका जो कंटामिनेशन को आप लोग क्या कर सको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक कहानी। चलिए अगला मेरे पास में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो इन्फेक्शन की ध्यान रखना रिस्क अगर हम बात करें तो देखते क्या चीज़ अवेलेबल है। हमें नीड होती है स्टैंडर्ड टेक्निक टू बी फॉलो बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वन इज डीलिंग विथ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जब आप लैब में होते हैं और कई बार आपको जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म
जो कोई ना कोई पैथोजन या कोई ना कोई डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कई बार उनको भी डील करना होता है। तो ऐसे केसेस में आपको स्टैंडर्ड टेक्निक्स और जो जो बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, उनका बहुत आपको ख्याल रखना होता है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखोगे तो आप खुद उससे इन्फेक्ट हो जाओगे। अनलेस एंड अनटिल एसेप्टिक टेक्निक्स आर स्ट्रिक्टली फॉलो, आपको ऐसे सिचुएशन में जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, आपको जो असेप्टिक टेक्निक है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। ओके, ताकि क्या हो सके, इज ए कॉन्स्टेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द लेबोरेटरी। अगर आपने जरा सा भी गलती की, जरा सा भी आपने लापरवाही की, तो इस केसेस में आप और आपके साथ में लैब में जितने भी लोग काम करते हो उन सबको अफेक्टेड या वो सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं उस पैथोजन के। तो बी केयरफुली ड्यूरिंग लेबोरेटरी वर्क। ओके, तो आपको बहुत ही केयरफुल ढंग से आपको काम करना होता है। तीसरा केस, आपके रिजल्ट में क्या होना, फ्लक्चुएशन आना, आपका रिजल्ट सही नहीं आना। कई बार क्या रखना होता है कि आप लोग जब एग्जाम में या कॉलेज में जब वाइवा आप दे रहे होते हैं, आप जब आप उनके सामने अपना रिजल्ट की प्लेट लेके जाते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आता। तो आपका जो ध्यान रखना रिजल्ट जो बिगड़ता ध्यान रखना, उस रिजल्ट में जो फ्लक्चुएशन ध्यान रखना आता है। अब क्या देखो इसमें, एनी एक्सपेरिमेंट शुड बी हैव अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर शुड बी रिमेन स्टैंडर्ड थ्रू आउट। अगर आप ध्यान रखना कोई भी जो प्रैक्टिकल आप लैब में परफॉर्म करते हैं, उसके जो स्टैंडर्ड पैरामीटर आप फॉलो नहीं करते हैं, या उन्होंने जिस चीज़ को यूज़ करने के लिए बोला है आप वो चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपको यूज़ करने के बोला है वो तरीके से अगर आप यूज़ नहीं करते, तो ऐसे केसेस पे ध्यान रखना आपको जो रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड नहीं आएगा, उसमें आपको फ्लक्चुएशन प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो फिर ध्यान रखना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। अगला हमारे पास फंडा ध्यान रखना है इकोनॉमी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप जैसे जैसे बड़े लेवल पे जाओगे, अगर आपकी टेक्निक और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, समय और पैसे की दोनों की बर्बादी होती है। कोई भी इंडस्ट्री में आपको जो वहाँ के वर्किंग पर्सन है या जो भी इंडस्ट्री को चलाने वाले रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपना पैसा बर्बाद हो, समय बर्बाद हो। वो ये भी नहीं चाहेंगे कि आपका समय खराब हो, आपका पैसा बर्बाद हो। ध्यान रखना जब भी आप लैब में वर्क करते हो, ध्यान रखना तो आपको ये चीज़ दिमाग में सेट करके रखो, ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना वेस्ट ऑफ टाइम एंड मटेरियल। अब कम से कम समय खराब, कम से कम आपका समय खराब हो और कम से कम आपका जो मटेरियल है वो वेस्टेज हो। के इट एसेंशियल टू फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड ऐसी इक्विवेंट ऑन सेल्फ, यानी जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करो उसको आप अच्छे से समझ लें और उसकी सारी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए, तभी ध्यान रखना प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना। बिना जाने समझे आप किसी प्रैक्टिकल को या अनजाने में आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करें, जब तक आप कंप्लीटली श्योर नहीं होते कि नहीं मुझे अब इस प्रैक्टिकल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हैं, इस पे कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको क्लियर हैं और आपको उन सब के लिए प्रैक्टिस क्लियर है, तो आप जाकर उस प्रैक्टिकल को आप कर सकते हैं। क्लियर कहानी यहाँ तक। चलिए, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट बेसिक्स। उसके अलावा हमारे पास में कौन कौन से रूल हमारे पास जो हमें फॉलो करने ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ध्यान रखना एसेप्टिक टेक्निक। मेरे पास में तो क्या लिखा, मेरे पास में तो एसेप्टिक हैंडलिंग। अब आप जेब में जब आप लैब में वर्क करने ध्यान उतरोगे, तो अब लैब में जब आप वर्क करने निकलो ध्यान रखना, तो आपको क्या करना है, हर एक ऑब्जेक्ट को एसेप्टिकली हैंडलिंग करना है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो ग्लासवेयर हो या कोई भी एसेसरीज हो, तो आपको उनको एसेप्टिक करके उनको यूज करना है। आपको उनको ऐसे नहीं कि बिना धोए, बिना वॉश किए, बिना कुछ प्रॉपर क्लीनिंग किए, स्टराइल किया उसको यूज कर रहे हो, ये गलत बात है। जब आप किसी भी मटेरियल को ट्रांसफर भी आप ध्यान करते हैं, तो बिल्कुल उसको आप असेप्टिक कल्चर को भी या कोई भी कल्चर हो उसको आप एसेप्टिकली ध्यान रखना आपको ट्रांसफर करना है, तब ध्यान रखना आपका रिजल्ट एकदम प्रॉपर आएगा। अब जब आप लैब में स्टार्ट कर ध्यान रखना वर्क अपने, तो क्या करें, आप जो भी वर्किंग एरिया आपका, ओके, कीप द वर्किंग एरिया क्लीन। आप हमेशा आपका जो वर्किंग एरिया से क्लीन रखें। यूजुअल प्रैक्टिस टू डिस इन्फेक्ट टेबल टॉप, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस इन्फेक्टेंट। आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के पहले और बाद में उसको कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग डिस इन्फेक्टेंट की मदद से उसको आप क्लीन करें। ओके, वुड बी रिड्यूस द, ऐसा करने के ध्यान रखना आपका जो रिजल्ट है उसमें जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे उस आपके सराउंडिंग में जो है माइक्रोबियल फ्लोरा कम हो जाएगा। ओके, देन उसके अलावा स्टराइल कीजिए वर्किंग इंस्ट्रूमेंट को। ओके, वायर्ड लूप वगैरह, तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना जब लैब में काम करते हैं सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा ध्यान रखना और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि ऑल एक्सपेरिमेंट वर्क बिटवीन, आपको माइक्रो में ध्यान रखना, तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है, आपको जो वर्क करना ध्यान रखना है इसी बुनसन बर्नर के बीच में ध्यान रखना काम करना है। ओके, तो ऑल एक्सपेरिमेंट वर्क बिटवीन ए पेयर ऑफ बुनसन बर्नर प्लेस वर्टिकली अबाउट 6 to 8 inches पार्ट, आपको इसी एरिया के बीच में काम करना है। और कहीं जगह ध्यान रखना
आप लोग जो है लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम में भी काम कर सकते हैं रखना। तो लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम में भी उसको भी आपको टाइम पे क्लीनिंग करना होता है, वॉशिंग करना होता है, उसको स्टराइल करना होता है ताकि आपका रिजल्ट में कोई भी कंटामिनेशन देखने ना मिले। ओके, अब एक और खास ध्यान रखना, आप जब लैब में वर्क करते हो तो ऐसा नहीं आप बस बैठे रहो, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, नहीं, आपका जो वर्किंग स्किल है वो भी बहुत क्विक होना चाहिए और बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। क्योंकि आप लोग ट्राई करो कि उस आपकी माइक्रोबियल कंटेंट को मिनिमम ध्यान रखना, आपको टाइम एक्सपोजर मिले, मिनिमम ध्यान रखना एयर एक्सपोजर मिले, आप कम से कम समय में और फास्ट से फास्ट, जितना फास्ट हो सके उतना स्पीड से उसको आप परफॉर्म करें, ताकि आपका जो रिजल्ट है उसमें जो एरर आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो ये था जाने का हमारा आज की प्रैक्टिकल की कहानी। तो गाइस अगर आपको मजा आया है उसको लाइक करें, शेयर करें और हर एक बच्चे तक उस वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग उसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ताकत मिलेगी और मुझे और जोश मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।